गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट में हमें बहुत ही अच्छा गैप अप नज़र आ रहा है। ऐसी कंडीशन में हम कैसे डिसाइड करें हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। देखिए, ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू न्यू चार्ट सेंटीमेंट। आपको पता है कि यहाँ पे बायर को डर लग रहा है, अगर डायरेक्टली कोई पॉजिटिव मोमेंटम आने लगता है तो सेलर थोड़ा सा इंटरेस्टेड यहाँ पे कम होगा। अगर मार्केट में डायरेक्टली नेगेटिव मोमेंटम आने लगता है तो मार्केट कहीं से रिकवरी दिखा सकता है या वोलाटाइल हो सकता है। ऐसी कंडीशन में प्रॉपर रिट्रेसमेंट के बाद हम सेलिंग में जाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक तो अपना प्लान तो यही है कि मार्केट में कुछ बाइंग साइड का सेटअप मिल जाए। वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में मुझे बाइंग साइड का सेटअप मिले। जस्ट हमें वेट करना है मार्केट को। अगर जहाँ पे मिलेंगे स्टॉप लॉस, वहाँ पे हम काम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा बहुत हमें वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब मार्केट में नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं होते तो मे बी मार्केट थोड़ा बहुत वोलाटाइल हो सकता है। हमारे बेटर कंफर्मेशन के लिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को दोनों को एक साथ जरूर देखने की कोशिश करेंगे कि दोनों में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है, हमें यहाँ पे कुछ सेलिंग नज़र आया और वो सेलिंग टोटली पॉजिटिव मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अपना प्रीफरेंस तो बाय का था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कहीं भी बाय करके बैठ जाएं। जब तक अपना प्रॉपर सेटअप नहीं बनता, तब तक आपको भले ही मार्केट लालच दे, भले ही मार्केट कुछ भी नजर आए, ऐसे में आपको यहाँ पे बाइंग और सेलिंग नहीं करना चाहिए। इवन देखिए, निफ्टी तो ठीक ठाक थोड़ा सा नेगेटिव नजर आ रहा है और बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो दोनों जब इंडेक्स एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो, ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा और भी वेट करना चाहिए मार्केट को। और जब नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं होते, तब आपको थोड़ा और भी प्रिकॉशन लेना चाहिए मार्केट में पोजिशन बनाने के लिए। तो जस्ट हमें वेट करना है। अभी तो लग रहा है कि बाई साइड का बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाया जा सकता है, लेकिन निफ्टी का कुछ बनने दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे पोजिशन बनाने वाले हैं। मार्केट में थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम आ चुका है और निफ्टी तो ऑलरेडी आपको नेगेटिव नज़र आ ही रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता हमें दूसरा सेटअप मिल जाए। लेकिन अभी के लिए तो अपना यहाँ पे बाइंग साइड में जाना थोड़ा सा पॉसिबल ही है कि मार्केट बाइंग में जाएगा तो वो वाला मोमेंटम नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे ट्रेड मार्केट को करना पड़ेगा। और अगर सेलिंग में आया तो थोड़ा फास्ट आ सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, इसको हम इग्नोर नहीं करना चाहते। तो थोड़ा सा बनने देते हैं, कुछ सेटअप बन जाएगा ना तो हमारे लिए एक अच्छा काम बन जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम आएगा तब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो प्राइस अच्छा मिल जाएगा। थोड़ा इसको चलने देते हैं या फिर मौका नहीं देगा मार्केट, बैंक निफ्टी में स्पेशली नहीं देगा। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में पोजीशन बनाना शुरू कर देते हैं, 600 क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना यहाँ पे सेकंड पोजीशन भी बन जाना चाहिए, 600 क्वांटिटी यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना निफ्टी का, वैसे तो बाय नहीं करना चाहिए निफ्टी को, लेकिन कर लेते हैं, कभी कभी कौन सा चलना शुरू कर दे पता ही नहीं चलता। 600 क्वांटिटी यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों इंडेक्स के अंदर पोजीशन बना ली है। निफ्टी के अंदर हमारा परसेंटेज कम रहता है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अपना ठीक ठाक परसेंटेज रहता है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाया गया है। इवन यहाँ पे अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन ऐसा आप ये भी कह सकते हो डाउन साइड भी, क्या आसपास स्टॉप लॉस थोड़ी पड़े हैं कि मार्केट में ऐसे गिरेगा ऐसे गिरेगा इनका स्टॉप लॉस खाया जाएगा, वो भी नहीं करने वाला मार्केट, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात क्या होती है कि मार्केट में यहाँ पे गिरावट आ रहा था, क्या हमने यहाँ पे बाय किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मार्केट में अगर हम डायरेक्टली बाय करके बैठ जाएंगे तो वहाँ से मार्केट हमें ट्रैपिंग में डाल सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ऐसे ही यहाँ पे बाय करके बैठ जाते, एक दिन मोमेंटम हम कैप्चर कर लेते और 2-3 दिन लॉस करते, तो फिर उसका क्या होता? फिर तो वो समझने की जरूरी है कि सेटअप जब आपका बने, मार्केट को आपको यहाँ पे बाय करना जरूरी नहीं, आप मार्केट को यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे बाय क्यों कर रहे हो, तब आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पे अगर मार्केट सेलिंग आ रहा था, मार्केट कुछ रिट्रेसमेंट करता, फिर मार्केट में गिरावट आता, फिर रिट्रेसमेंट आता, फिर गिरावट आता, यहाँ हम बाय कर सकते थे। यहाँ पे जरूरी थोड़ी है, हमें कभी भी टॉप एंड बॉटम कभी भी फाइंड आउट नहीं करना चाहिए मार्केट को, ये आप समझ कर चलिए। अब बात कर लेते हैं अपने वाले कि यहाँ पे बाय क्यों किया है। देखिए, वैसे तो प्रिफरेंस बाय का था, रीजन क्या था बाय करने का, क्योंकि मार्केट में देखिए पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है विदाउट एनी मेजर रिट्रेसमेंट की। ऐसी कंडीशन में मुझे लगता है कि काफी लोगों ने यहाँ पे अपनी सेलिंग साइड की पोजीशन बना रखी होगी, उन्हें लगता होगा कि मार्केट को गिरना चाहिए, तो ऐसे सेंटिमेंट में। दूसरा देखिए, जब मार्केट को गिरना भी होता है तो भी बायर को एक टेम्पटिंग देता है, तो एक अपसाइड का मोमेंटम दे सकता है,
जो यहाँ पे न्यू सेलर को एक्टिवेट करना चाहता है मार्केट, कुछ एवरेजिंग करवाना चाहता है उनको भी मार्केट करवा सकता है। तो ये सब अगर मार्केट को काम करने हैं तो मार्केट में पॉजिटिव मूवमेंट आ सकता है। इवन मार्केट में मैं कुछ नजर नहीं आ रहा है कि अपर साइड कोई स्टॉप लॉस है, लेकिन सेंटिमेंट को आप समझ कर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉप लॉस कैसे काम करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे ये सोचें कि हमें सेलिंग साइड का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, तो मैंने आपको सिंपली बता रखा है कि पहले आप नीचे भी ये देखो कि स्टॉप लॉस कहाँ पे अवेलेबल है। अब आप ये सोचिए कि किसी पर्सन ने यहाँ पे बाय किया होगा, वो अगर मार्केट को गिरना देखने लग जाएगा तो वो यहाँ पे पोजिशन काट लेगा, यहाँ पे पोजिशन काट लेगा, तो मार्केट उसका स्टॉप लॉस नहीं खा पाएगा। और मैं आपको क्लियरली बताना चाहूंगा, जब तक किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक आपकी जेब में पैसा नहीं आता। इसको आप क्लियरली समझ गए होंगे, इसीलिए स्टॉप लॉस हंटिंग को समझा जाता है। तो अब निफ्टी में भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, इवन ये पहले थोड़ा सा नेगेटिव था। बैंक निफ्टी में अभी एक रिट्रेसमेंट आने के बाद हमने यहाँ पे बाय कर लिया मार्केट का। रीजन मैंने आपको साइकोलॉजी पॉइंट से भी बता दिया, और साइकोलॉजी पॉइंट से हमने कैसे एसएल हंटिंग को फाइंड आउट किया वो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब देखिए, अपना यहाँ पे 18,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले। देखिए, जिस प्रकार के प्रीमियम अभी के हमारे लिए है वहाँ पे 80,000 के आसपास प्रॉफिट हमारा बन जाना चाहिए अगर सही से मार्केट काम करे। लेकिन ये आपको पता ही है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो थोड़ा स्लो जाएगा, नीचे आएगा तो कहीं से फास्ट मूवमेंट आ सकता है। रीजन क्या है वो आपको पता है, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, लेकिन नीचे डाउनसाइड के कारण थोड़ा सा क्या है कि सेंटिमेंट के कारण, मार्केट को बनाने के कारण मार्केट थोड़ा सा तेजी का गिरावट दे सकता है। ये आप नोट करके रखना चाहिए यहाँ पे ऐसी मार्केट में। तो यहाँ पे देखिए, अपना जो प्रॉफिट है वो 29,000 के अराउंड चल रहा है, और मार्केट में बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है, और निफ्टी में भी बहुत अच्छा ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है। लेकिन ये अपने आप को होल्ड करा ये भी अच्छी बात है, अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा मोमेंटम करे। लेकिन मोमेंटम देखिए करेगा कैसे, अपर साइड यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं, ये जो मोमेंटम होता है ये टेम्पटिंग का भी हो सकता है, या जो पोजिशन अपनी एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं कि किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया, मार्केट गैप ओपन हुआ, लेकिन उसका क्या है कि एक लॉन्ग टर्म का व्यू है कि एक महीने में मार्केट को गिरना चाहिए, या 2 हफ्तों में मार्केट को गिरना चाहिए, या 1 वीक में मार्केट को गिरना चाहिए। तो वो कैसे काम करते हैं, वो अपना कुछ पोजीशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मार्केट और ऊपर चलने लगता है, वहाँ पे कुछ एवरेजिंग कर लेते हैं, फिर मार्केट थोड़ा और ऊपर चलता है, वैसे वो एवरेजिंग करके अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हुए चलते हैं। तो मार्केट उन्हीं के साथ ये गेम खेल रहा है कि चलो आपको ही मैं देख लेता हूँ कहाँ तक एडजस्ट करोगे मार्केट। तो ऐसा ही सिचुएशन है, जो डर के निकल जाएगा, कुछ लोग यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन काटेंगे तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा, कुछ डर के ये सोचें चलो लॉस बुकिंग कर लेते हैं वो उनका डर लगेगा, तो वो तब हमें पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे ऐसी कैंडल को देखकर, डायरेक्टली रिजेक्शन को देखकर, अगर निफ्टी को देखकर यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करेंगे तो बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर पाएगा। ये अपना यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे मार्केट का प्लान चल रहा है, तो देखते हैं कितना कंटिन्यू कर पाता है। अभी तो अपना देखिए 23,000-22,000 के अराउंड प्रॉफिट चला है, निफ्टी थोड़ा बहुत अपना नेगेटिव बनाने की कोशिश करा है, बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव आने की कोशिश करा है। तो यहाँ पे देखिए, अपना जो प्रॉफिट है 51,000-53,000 के अराउंड चल रहा है, हम ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा बहुत और चलेगा तो मार्केट आसानी से अपना टारगेट यहाँ से बना के दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छा मोमेंटम और चाहिए होता है। तो देखते हैं मार्केट कर पाता है नहीं कर पाता, और निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छा बुलिश मोमेंटम आया हुआ है, इसके कारण मार्केट में कुछ रिजेक्शन वगैरह कहीं से भी हमें देखने को मिल सकता है। उस चीज़ के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट है और मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता। मार्केट में आपकी पोजीशन होती है वो आपके अकॉर्डिंग चलती है कि वो आपको कहाँ पे बुकिंग करना है, कहाँ पे लॉस काटना है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो वो काम आपके ऊपर निर्भर रहता है। तो आप उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो तो वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा, मार्केट को आप हैंडल नहीं कर रहे। अगर आप मार्केट को हैंडल करोगे तो मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो अभी थोड़ा चलने देते हैं, निफ्टी के अंदर भी एक नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है और बैंक निफ्टी के अंदर भी नेगेटिव मोमेंटम आ रहा है। तो ऐसे करके तो मैं आपको बोलता ही हूँ कि मार्केट को ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मार्केट में कुछ रिजेक्शन या थोड़ा बहुत परेशानी वाला मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उसको हम हैंडल कर लेंगे आराम से। अभी अपना 49,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मार्केट में टोटली नेगेटिव मोमेंटम आया हुआ है, और जो अपना प्रॉफिट चल रहा था उसको मार्केट ने पूरा जीरो कर दिया है। तो अब देखिए, जीरो हीरो तो हम यहाँ पे खेल नहीं रहे हैं, लेकिन खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट ऐसे रिजेक्शन वगैरह देते रहता है, इसका तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मार्केट में मोमेंटम आ रहा है तब तक हम वेट करें, और मोमेंटम पॉजिटिव आ जाना चाहिए। दिक्कत यहाँ पे क्या हो रहा था मार्केट को कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो नहीं रहे थे। अब यहाँ पे अगर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे तो मार्केट में भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए, और निफ्टी के अंदर तो चल ही रहा है। तो वेट करते हैं मार्केट के अंदर, और अभी अपना 5,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी कम हो गया है।
लेकिन ऐसा भी नहीं कि मार्केट में हम काट कर पोजिशन भाग जाएं, थोड़ा चलने देते, क्या पता मार्केट में दोबारा से हमारी होल्डिंग चलना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हमें कुछ रिजेक्शन नज़र आ रहा है, तो पहले मैं अपनी पोजीशन को काट लेता हूँ, क्योंकि लग नहीं रहा है कि मार्केट में अपना कॉल साइड में प्रॉफिट यहाँ पे बन पाएगा। हमें दूसरे जो अपने हथियार होते हैं वो चलाने पड़ेंगे, तो पहले इनको काट लेते हैं अपना जो भी प्रॉफिट बनेगा यहाँ पे। तो 15,000 रुपये के अराउंड बना पाए, प्रॉफिट नज़र आया था, लेकिन वो काम का ही क्या जो नज़र आए और बनाना बनाना हो। तो निफ्टी में अब हम शुरुआत करते हैं अपना सेकेंड काम करना। तो यहाँ पे हम 600 क्वांटिटी नहीं, 1200 क्वांटिटी को यहाँ पे बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना निफ्टी का भी रहता है, तो यहाँ से रिजेक्शन तो क्या आएगा, लेकिन हाँ रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो इसमें भी हम 600 क्वांटिटी को बाय कर लेते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि नई पोजीशन हमने बनाई है, क्योंकि उसमें कॉल साइड में तो प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं पाए, इवन अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ चुका था, लेकिन इस रिजेक्शन में भी हमने सोचा कि चलो निकाल देंगे। अब ये दोबारा से ब्रेकआउट वगैरह बन रहा है, निफ्टी भी बहुत अच्छा स्ट्रेच हो चुका है, तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट या रिजेक्शन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने कॉल साइड में जो प्रॉफिट बन रहा था वो हमने काट लिया, और एज ए न्यू पोजिशन यहाँ पे हमने पुट साइड का पोजिशन बना लिया है प्राइस एक्शन को देख कर। अब यहाँ पे पोजिशन क्यों बनाए, देखिए मार्केट को जाना होता है तो कुछ यहाँ से हमें कुछ मोमेंटम नज़र आता है, बेवजह मार्केट ने रिजेक्शन बनाकर ब्रेकआउट दिखाकर, निफ्टी में ब्रेकआउट दिखाकर बेवजह मार्केट को स्ट्रेच में डाल दिया है। तो अब स्ट्रेच इतना हो चुका है मार्केट में, कुछ हमें रिजेक्शन या एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, उसी को कैप्चर करने के लिए हमने यहाँ पे पुट साइड का पोजिशन बनाया है। तो यहाँ पे देखिए अपनी पोजीशन में 49,000 के अराउंड प्रॉफिट चलने लगा है, मार्केट में एक अच्छा नेगेटिव मोमेंटम आया हुआ है, और निफ्टी ने भी थोड़ा नेगेटिव चलना शुरू किया है। तो जस्ट हमें अपना प्रॉफिट बुकिंग करना है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि मार्केट को हम गिराने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे जिस प्रकार का प्राइस एक्शन बना हुआ था वहाँ पे हमने एक सेलिंग करने का ट्राई किया, और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो इसके कारण जो अब कॉल साइड में जो प्रॉफिट नहीं बना पाए थे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट काफ़ी कम हो गया था, अब देखिए मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम मिल चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन काटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए इतना अच्छा, चलो वो रिजेक्ट हो गया कैंडल, अगर वो रिजेक्ट नहीं होता तो अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम कवर कर पाते। आपको नज़र आता है कि काफ़ी बार ऐसे मौके मिलते हैं कि हम आराम से प्रॉफिट बना पाएँ, क्योंकि मे बी बायर अचानक से निकले होंगे यहाँ पे जब मार्केट में ऐसा मोमेंटम मिला होगा। तो हम दोबारा से ट्राई करते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की यहाँ पे, तो 1,10,000 थोड़ा वेट कर सकते हैं मार्केट में अंदर, क्योंकि अभी रिजेक्शन शुरुआत हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ट्राई करना गलत होगा, क्योंकि मार्केट में कहीं से दोबारा से मोमेंटम शुरुआत हो सकती है। तो यहाँ पे 1,00,000 बन जाता तो अच्छी बात होती। खैर अपना टारगेट 80,000 का था, वो मार्केट में अच्छी तरह से कवर कर पाए, 96,000 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। हमने पोजिशन तो देखिए आज लंबा चौड़ा बना रखा, आप ही देख लीजिए कब कौन सी पोजिशन बनाई थी, लेकिन ओवरऑल अपना यहाँ पे 96 अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन पाया। अब देखिए यहाँ पे पोजिशन क्यों बनाया गया था पुट साइड का, क्योंकि नज़र आ रहा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पे रिजेक्शन आया, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं थी मार्केट में, मुझे लगा कि यहाँ पे सेलर को एक्टिवेट करेगा, मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन बाद में मार्केट ने क्या कर दिया कि निफ्टी में ब्रेकआउट दे दिया था, और बैंक निफ्टी ने भी एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया था, तो यहाँ पे सेलर फिर से ख़त्म, और यहाँ पे बायर दोबारा से इंटरेस्टेड हो गए। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में हमें दोबारा से रिजेक्शन मिल सकता था, तब हमने यहाँ पे अपने कॉल साइड का जो प्रॉफिट चल रहा था उसको बुकिंग किया, और यहाँ पे हम क्या किस में आ गए, पुट साइड में आ गए। उसके बाद ये वाला मोमेंटम हमें देखने को मिला, तो बाद में बहुत अच्छा मार्केट ने काम किया। देखिए बहुत ही पर्टिकुलर होकर जब आप पोजिशन को चेंज करते हो, आपने कॉल साइड का पोजिशन बना रखा था, आपको मोमेंटम भी मिल चुका था, उसके बाद जब आपका प्रॉफिट कम होने लगता है एक ऑलमोस्ट अपने टारगेट के आसपास से, तो आपका साइकोलॉजी वहाँ पे मेंटेन करके चलिए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो, आप कहीं पर गलत पोजिशन ना बना ले। तो इसीलिए कभी भी आपको ऐसे ट्राई नहीं करना है कि कॉल में पुट में ऐसा करना चाहिए जब आप एक बार के लिए आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया। अगर आपको करना है तो बहुत पर्टिकुलर होकर सोचिए कि मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मार्केट के साथ, तब आप यहाँ पे पोजिशन बना सकते हो। तो यहाँ पे अच्छा काम मार्केट ने किया, निफ्टी ने भी एक मोमेंटम दे दिया, बैंक निफ्टी ने भी मोमेंटम दे दिया, ओवरऑल अपना 96,000 के अराउंड प्रॉफिट बन चुका है, ठीक ठाक मार्केट ने काम किया। थोड़ा कॉल साइड में प्रॉफिट जल्दी बन जाता अच्छी बात है, खैर अपना तो 12 बजे से पहले पहले काम बनना चाहिए, तो मार्केट ने काम बना के दे दिया। धन्यवाद।